वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्ल्ड में कोरोना की महामारी चली है और भारतवर्ष में और ख़ास करके महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में कोरोना के बहुत ही पेशेंट मिलते जा रहे हैं। कोरोना में अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं, अस्पताल में खून की बहुत कमी है और हमारे मुंबई के अध्यक्ष ने कांग्रेस के बताया था कि हम कांग्रेस की तरफ से हर वार्ड में, हर तालुका में, हर जिला में ब्लड डोनेशन शिविर लेंगे और उसमें से 10,000 यूनिट हम बना के हमारे मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में देंगे। पूरे मुंबई शहर से अभी तक 10,000 यूनिट तो हो गए, अब ये ज़्यादा यूनिट जैसे कि परसों पेपर में आ गया कि खून की कमी है, लोगों के ऊपर इलाज करने के लिए खून नहीं है, तो ताबड़तोब हमने बहुत सारे मुंबई शहर में, कल हमारा एक शिविर हो गया मझगांव में एली कदीर स्कूल में, आज यहाँ है, तो करीबन 500 यूनिट भाईकला की तरफ से फिर से नायर हॉस्पिटल में जाएगी। और जो मुंबई शहर के अंदर कोरोना के जो ज़्यादा मरीज हो रहे हैं या दूसरे कोई व्याधि से मरीज अगर अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन है, तो उनको खून की कमी गिरनी नहीं चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने अपना खून देके इस देश को आज़ादी दी है। तो हम लोग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के चेले हैं, हमारा वारसा स्वतंत्र सेनानी का है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े एकजुट होके ठोस कार्यक्रम ये ब्लड डोनेशन का कर रहे हैं। जैसा कि साहब ने बोले, ये कोरोना की महामारी चल रही है और लोगों के ब्लड में खून की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में खून की कमी हो रही है। जैसा साहब ने बताया, अभी पूरा तफसील से बताया साहब ने, कि साहब को कांटेक्ट किए अपना नायर हॉस्पिटल वाले कि साहब हमारे हॉस्पिटल में लोगों को खून की कमी हो रही है और हमारे ब्लड बैंक में जितने भी खून थे सब एम्प्टी हो गए। तो साहब ने पूरे तालुके की टीम से डिस्कस किया, उनकी मीटिंग ली कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की खिदमत करनी है। और हर एक वार्ड में तकरीबन एक एक ब्लड कैंप लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेटर को पकड़े और उनसे ब्लड ले, ताकि जो जिनकी ज़िंदगी बच सकती है, जिनको खून की कमी हो गई है, उन तक ब्लड पहुँचे। और जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं है और लोग डर रहे घर से बाहर निकलने के लिए, कोई ब्लड दे रहे, कोई एक प्रॉब्लम है कि जो वैक्सीन ले लिए वो ब्लड नहीं दे सकते, मगर फिर भी लोग एहतियात कर रहे हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दे हम चाहते हैं। ऐसा है कि ब्लड डोनेशन का जिम्मा और ये मिशन हमने शुरू किया था राजीव गांधी के पुण्यतिथि के दिन, और हमने एक प्रण किया था कि हम 10,000 यूनिट हम इस मुंबई में जितने भी गवर्नमेंट ब्लड बैंक है उनको हम देंगे।
हमने 7,000 जब कंप्लीट किया तब गवर्नमेंट के सारे ब्लड बैंकों ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है और ब्लड हम लोग क्योंकि वो 28 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो हमने उसको वापस बंद कर दिया क्योंकि वो ब्लड प्राइवेट किसको देना नहीं था। उसके बाद एक राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे 19 तारीख को, 15 तारीख को मुझे एक खत KEM हॉस्पिटल से मिला। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ऑपरेशन शुरू है और हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो हमने राहुल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 1,000 यूनिट उसी दिन 19 तारीख को हमने 1,000 यूनिट और 1,000 ये जो माल न्यूट्रेट बच्चे हैं उनको हमने अडॉप्ट किया मुंबई कांग्रेस ने, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम और जिम्मा हमने उठाया। वो इसलिए भी अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हो रहा है, 3 करोड़ लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो ब्लड कम से कम 20-25 दिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए ब्लड की उन्हें किल्लत है, ब्लड की उन्हें कमी है। तो 2 दिन पहले मुझे जे हॉस्पिटल ने भी लिख दिया कि हमें भी ब्लड की ज़रूरत है, तो हमने वापस ये ब्लड कैंप शुरू किए हैं। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ हमारे मधु चौहान जी अन्ना हमारे यहाँ के ये भी रहे हैं, विधायक रहे हैं और माढ़ा के चेयरमैन रहे हैं, मंत्री रहे हैं। यहाँ आज हमारे शमीम भाई का तो बर्थडे है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मुबारक घड़ी है कि हम सारे लोग जो लोगों को चाहिए, मुंबईकरों को चाहिए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन रक्तदान से ज़्यादा कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं होता। हमने सिर्फ कहने के लिए नहीं, अभी तक मैं बता दूं आज का भी अगर मैं काउंट पकड़ूं तो तकरीबन 8,500 यूनिट मुंबई कांग्रेस के द्वारा ब्लड यूनिट हमने 95% सरकारी ब्लड बैंकों को हमने दिए। यहाँ भी नायर के सरकारी हॉस्पिटल है, महापालिका का हॉस्पिटल है। और ये भी बात मैं बता दूँ, मुंबई में बहुत सारे लोगों ने बहुत गर्जना की, बहुत बातें की, लेकिन ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मुंबई कांग्रेस के द्वारा 8,500 यूनिट अभी तक हमने ब्लड बैंक को दिए हैं। और ये सर्टिफाइड है, बहुत लोगों को आदत है 100 देंगे और 500 कहेंगे, नहीं वो तुम्हारा सवाल मैं पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे मैं पढ़ सकता हूँ, जी जी जी, इसलिए वो ये एक हमारा देखा देखी बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया 5,000 यूनिट हम देंगे। मैं टिका टिप्पणी नहीं करूँगा, पर उन्हें भी पूछिएगा कि उन्होंने कितना ब्लड जमा किया। मेरी मालूमात ये है कि 500 तक भी नहीं जा पाए, ये मेरी मालूमात है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो 500 मतदाता ब्लड डोनर जो है उनको भी मैं बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। इन्हें राजनीति करनी है तो राजनीति वो करते रहे, लोगों को जो ज़रूरी है वो काम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद। असल में हमारी मुंबई कांग्रेस का आदेश है कि ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए। हमारे चौहान साहब के बोलने पर हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखे, कल मझगांव में था, और भी मुंबई कांग्रेस का जगह जगह ब्लड कैंप हो रहा है, और एक भारी संख्या में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम सभी लोग मिलकर ब्लड दे रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं
कि आप सब लोग हमारी जो कार्यकर्दगी है वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, और हम लोगों को भी हिम्मत मिलती है, जज्बा मिलता है। जिस तरीके से आज हमारे बीच अन्ना मधु चौहान साहब बैठे हुए हैं, हम लोगों को जज्बे से काम करने का शौक़ हो रहा है। हम लोगों ने आज का ब्लड कैंप, आज 27 जून है 2021, आज का ये ब्लड कैंप 184 बाईकला असेंबली वार्ड नंबर 207, 211 और 212 का यहाँ रखा गया है। सुबह हम लोग 9 बजे ब्लड कैंप शुरू कर दिए और अभी तकरीबन लगभग 2 बज रहा है और अब तक लगभग 140 बॉटल से ज़्यादा जमा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद भी कसीर तादाद में लोग ब्लड देने के लिए बाहर लाइन लगाए हुए हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने दोस्तों का, अपने बिल्डिंग वालों का, अपने मोहल्ले वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब लोग पूरे पूरे एकदम हिम्मत और जोश के साथ हमारा ये कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लोग नाश्ता नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लोगों को नाश्ता और खाना पानी करवा रहे हैं। और यहाँ पर कम से कम 300 लोग आए, काफ़ी लोगों का ब्लड रिजेक्ट हो गया है, वरना जज्बा तो बहुत था। बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग ब्लड जमा करने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी 2 बजे के बाद भी बाहर कम से कम 50-60 लोगों की लाइन लगी हुई है। और अभी लोग कॉल किए, फ़ोन किए कि भाई थोड़ा लेट रहना, हम लोग खाना खा के आ रहे हैं, कोई नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। और संडे का दिन है, आप लोग को मालूम है कि लोग लेट उठते हैं, देर से उठते हैं, और नमाज़ पढ़ के खाना खा के कितने लोग अभी आने वाले हैं। और इंशाल्लाह हम लोग काफ़ी तादाद में आज ब्लड कैंप की संख्या बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ पर वार्ड नंबर 212 में 184 बाईकला असेंबली 212 में भाई जगताप जी भी आए थे, वो भी यहाँ पर कुछ बाइट दिए हैं, कुछ उन्होंने कहा है, और वो हम लोग उनके साथ में है, उनकी सरपस्ती हमारे सर पे है, चौहान साहब की सरपस्ती हमारे सर पे है, तो हम लोगों को और जज्बा आता है काम करने का। और जिला अध्यक्ष प्रमोद मांदकर साहब भी आए थे यहाँ पर, उनके साथ में पूरी टीम आई थी। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो लीडर हैं भाई जगताप, प्रमोद मांदकर, चरण सिंह सपरा, मधु चौहान साहब और वगैरह वगैरह लोग जो हमारे लीडर हैं, हमको वो लोग सपोर्ट करते हैं, हमको वो लोग हिम्मत देते हैं सब काम करने के लिए, इसीलिए हम लोग इतना काम कर पा रहे हैं, वरना हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे। इन सब नेताओं का हमारे सर पे हाथ है और हमको सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी ये स्मिता चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ में तमाम कार्यकर्ता और महिला तालुका अध्यक्ष सुभानगी भुजबल जी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सब तमाम वार्ड की महिला अध्यक्ष भी है और तालुका अध्यक्ष भी है और ब्लॉक अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह।